हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कुमार दास ऑन जेडी स्टॉक। फ्रेंड्स, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आपका नर्सिंग ऑफिसर। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डायबिटीज मेलिटस के बारे में, यानी कि मधुमेह के बारे में। सो आप में से कईयों को मधुमेह होगा और कईयों ने इसका दवा लेते होंगे। सो फ्रेंड्स, पूरी तरह से आज मैं इस विषय में बताऊंगा आपको कि डायबिटीज मेलिटस यानी कि मधुमेह है क्या, इसमें क्या होता है और इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है और इसे हम कैसे बच सकते हैं, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और डायबिटीज है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारे चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो आपको पसंद है, अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। डायबिटीज मेलिटस यानी कि मधुमेह, यह एक चयापचय संबंधित बीमारियों का समूह है जिसमें क्या होता है ना, हमारे खून में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। चयापचय का मतलब जो हमारे बॉडी में जो केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, तो इससे रिलेटेड यह बीमारी है। तो इसको और सरल में बताऊं तो मधुमेह में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो पैनक्रियाज है जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं वो ठीक से काम नहीं करता, तो उस वजह से क्या होता है ना, हमारे खून में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि पैनक्रियाज जो अग्नाशय है वो इंसुलिन को बनाता है। वो इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है उसको मतलब मेंटेन करके रखता है। अगर अग्नाशय में कुछ खराबी होती है, अगर वो ठीक से काम नहीं करता, तो इस वजह से क्या होता है ना, हमारे बॉडी में ग्लूकोज, बॉडी मतलब ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, तो इसको हम मधुमेह कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं इसका और क्या कारण हो सकता है, किस वजह से यह बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये मैं बता दूं कि इसका अब तो कोई ठोस कारण नहीं निकला, क्या अब तो कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है, फिर भी ये माना जाता है कि हमारे बॉडी और बॉडी में या फिर हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, तो इस वजह से कुछ हद तक क्या होता है ना, हमारे जो पैनक्रियाज अग्नाशय के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाएं कि इंसुलिन बनाते हैं, तो वो कोशिकाएं खराब हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो इंसुलिन बना नहीं पाते। और इस वजह से क्या होता है ना, इंसुलिन का काम है हमारे शरीर के अंदर ब्लड में जो ग्लूकोज, ज्यादा ग्लूकोज है वो ग्लूकोज को और जो शर्करा है उसको लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। सो इससे क्या होता है, अगर ज्यादा इंसुलिन नहीं बन पाता तो वो ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचा नहीं पाते, तो इस वजह से हमारे खून में वो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, जिस वजह से इसको हम डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं और मधुमेह बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो रह गया कुछ कारण, फिर अभी आपके मन में सवाल आता होगा, अगर आपको डायबिटीज है या मधुमेह है तो आप जानेंगे कैसे, किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि किसी को मधुमेह है, तो इसका कुछ लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं कि उनको मधुमेह है। जैसे कि पहला, आपको पहले से ज्यादा टाइम पेशाब लगेगा, ज्यादा टाइम आप पेशाब जाएंगे पहले से, और आपका मतलब शरीर में पानी का मात्रा कम हो जाएगा, आपको ज्यादा प्यास लगेगा, आपको ज्यादा भूख लगेगा और आपका वजन बढ़ सकता है या फिर नहीं तो कम हो सकता है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण लक्षण है, अगर आपके शरीर में कहीं पे भी घाव हो जाता है तो उसको ठीक होने में ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि नॉर्मल जितना टाइम लगता है घाव भरने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये सब लक्षण है जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि एक आदमी को या फिर किसको डायबिटीज है कि नहीं। तो अब लास्ट में बताऊंगा आपको डायबिटीज मेजर कर सकते हैं हम लोग, तो ये मेजर करके हम डायबिटीज मतलब शुगर का मात्रा जानकर हम पता लगा सकते हैं किसी को डायबिटीज है कि नहीं। तो हम मेजर कैसे करते हैं, तो हमारे खून देकर, थोड़ा सा खून देकर हम डायबिटीज मेजर कर सकते हैं, कहीं कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में हम डायबिटीज टेस्ट कर सकते हैं। अभी तो डायबिटीज मतलब वो जो डायबिटीज का मशीन आ गया है उसमें से आप कोई भी टेस्ट कर सकते हैं घर पर, डिजिटल मशीन आ गया है। सो फ्रेंड्स, डायबिटीज टेस्ट करने से, उससे मेजर करने से क्या होता है,
उसका हम मात्रा जान पाते हैं, जैसे कि उसका नॉर्मल, हम डायबिटीज को साधारणतः खाने से पहले सुबह जब उठते हैं खाने से पहले खून देकर टेस्ट करते हैं, उसे हम फास्टिंग बोलते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट बोलते हैं। और फिर उसके बाद खाने के 10 घंटे बाद और एक खून देकर टेस्ट करते हैं, उसको हम मतलब खाने के बाद टेस्ट करते हैं, उसको हम पोस्ट पैंक्रियल टेस्ट कहते हैं। तो इस दोनों टेस्ट से हमें दोनों दो वैल्यू मिलती है, तो इस दो वैल्यू से तो हमको पता लगता है कि उनको डायबिटीज है कि नहीं। तो पहले हम जो फास्टिंग में जो ब्लड दिए थे, जिससे हम खाने से पहले जो टेस्ट किए थे, उसका वैल्यू 70 से 100 mg पर डीएल, ये उसका यूनिट है mg पर डीएल, 70 से 100 तक रहता है तो ये नॉर्मल है, तो इसे हम नॉर्मल बोल सकते हैं। अगर 100 से ज्यादा 120 130 140 ऐसे होता है तो इसको हम डायबिटीज बोल सकते हैं। फिर पोस्ट पैंक्रियल मतलब खाने के 2 घंटे बाद जो टेस्ट करते हैं, उसका नॉर्मल वैल्यू है 100 से 140 तक रहना चाहिए, 100 से 140 mg पर डीएल। अगर उससे ज्यादा रहता है, मतलब 160 190 200 ऐसे रहता है, तो इसको हम डायबिटीज बोल सकते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ आपका वैल्यू आता है आपको ब्लड टेस्ट करने से, मतलब लगातार 4-5 बार ब्लड टेस्ट करने से इस तरह का बढ़ती हुई वैल्यू आपको दिखाता है, तो आपको तुरंत ही एक डायबिटिस्ट डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, डायबिटिस को दिखाना है। सो डॉक्टर को दिखाकर उनका सलाह लेकर उनके बताए हुए मेडिसिन को खाना है। सो ये एक हो गया आप कैसे डायबिटीज को पता चल सकता है, आप इसका लक्षण क्या है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मधुमेह से बचना कैसे है। अगर मधुमेह है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर मधुमेह नहीं है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो ये इस बारे में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूं, अगर आपको मधुमेह है तो इससे तो हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, या फिर पूरी तरह से इसे हम रोक नहीं सकते, पर हमारे जीवन शैली में परिवर्तन लाकर या फिर हमारे खाने पीने में बदलाव लाकर हम कुछ हद तक ये मधुमेह को रोक सकते हैं, या फिर इसको प्रभाव को कम कर सकते हैं। सो हमारे खाने पीने में परिवर्तन लाना होगा, हमारे जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा, ये सब चीज हमको करना पड़ेगा। सो खाने पीने में क्या करना है कि हमको करेला और जैसे हल्दी, ब्लूबेरी, काला मिर्च और क्या गेहूं, ये सब चीज हमको खाना है। और क्या नहीं खाना है हमको, इससे इसको नहीं खाना है, जैसे कि आलू, आलू जैसे चीज, इसको जैसे कि मिट्टी के अंदर का चीज जो भी है उसको हम नहीं खाना है, और फिर घी और दही ये चीज नहीं खाना है, चावल भी नहीं खाने, चावल के बदले हम चपाती खा सकते हैं। तो ये सब चीज हमको खाने पीने में बदलाव लाना होगा। और फिर जीवन शैली में परिवर्तन, जैसे कि हमको नियमित व्यायाम या फिर एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज एक महत्वपूर्ण माध्यम है डायबिटीज यानी कि मधुमेह को कम करने में या फिर इसको रोकने में। सो नियमित हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आपको मधुमेह है तो एक्सरसाइज कीजिए रेगुलरली, अगर नहीं है तो भी प्रिवेंटिव मेजर के तरह आपको एक्सरसाइज या फिर व्यायाम करना होगा। सो अगर आपको मधुमेह है तो रोजाना आपको चलना फिरना होगा, कहीं तक भी आपको चलना फिरना होगा। ये करने से कुछ हद तक हम डायबिटीज यानी कि ग्लूकोज की मात्रा में हमको ठीक कर सकते हैं। ये गया हमारे व्यायाम के बारे में। और फिर अगर आप मतलब धूम्रपान या फिर दारू वगैरह पीते हैं तो इसको पूरी तरह से आपको बंद करना पड़ेगा, ये सब चीज बंद करना होगा। और फिर क्या करना है ना आपको, नींद एक प्रमुख कारण है आपको मतलब डायबिटीज बढ़ने का। सो आपको पूरी तरह नींद लेना चाहिए, ठीक टाइम पे नींद लेना चाहिए, ठीक टाइम पे उठना चाहिए, जैसे कि रात को आपको जल्दी सोना चाहिए और सुबह उठ जाना चाहिए, जल्दी उठ जाके आपको एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि देर रात तक सोए और दिन में देर तक सोए, इस तरह का हरकत आपको बंद करना पड़ेगा। तो इससे आप क्या करते हैं, कुछ हद तक डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको आप रोक सकते हैं। सो ये सब चीज जिसको डायबिटीज नहीं है तो ये सब चीज आपको करना है, ताकि आगे जाकर आपको डायबिटीज ना हो। अगर आपको डायबिटीज है तो ये सब चीज करना होगा, जैसे कि आप इसकी मात्रा को कम कर सके, डायबिटीज प्रभाव को आपको कम कर सके। सो
इस तरह से हम डायबिटीज को रोक सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं सर। और बीच बीच में आपको ये टेस्ट करना होगा, आपका खून टेस्ट करना होगा डायबिटीज मतलब ग्लूकोज का मात्रा जानने के लिए, मतलब एक महीने में दो बार या तीन बार ऐसे आपको, अगर आपको कुछ मतलब ऐसी महसूस हुए कि आपका ग्लूकोज मात्रा बढ़ गई है, जैसे कि मतलब स्वेटिंग होना, ज्यादातर पसीना निकलना, ऐसे कुछ चीज होता है तो आपको क्या करना है, टेस्ट कर लेना चाहिए और डॉक्टर का सलाह बीच बीच में लेना चाहिए और जो भी सलाह में जो मेडिसिन बताए थे डॉक्टर उसको लेना चाहिए। और एक जरूरी बात बोल देता हूँ, जिनको डायबिटीज है तो वो क्या करे, तो कुछ कुछ क्या करते हैं ना, टैबलेट लेते हैं, डॉक्टर के बताए हुए टैबलेट लेते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। और कुछ कुछ ज्यादा जिनका डायबिटीज है वो इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन जो कि हमारे एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, तो कुछ कुछ इंसुलिन लेना पड़ता है डायबिटीज में ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, एक्सटर्नल वे से, मतलब ये एक्सटर्नली हमको इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन है जो मतलब बनता है, पर एक्सटर्नल तौर पे हमको भी इंसुलिन लेना पड़ता है कभी कभी डॉक्टर का सलाह के अनुसार। तो क्या होता है ना, जब डायबिटीज में आप इंसुलिन लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो एक एक बार क्या होता है ना, आपका मतलब ज्यादातर पसीना आकर आप कभी कभी सेंसलेस हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, ज्यादातर की मतलब आप इंसुलिन लेते हैं और ज्यादातर की ग्लूकोज की मात्रा पूरी तरह से कम हो जाए, कुछ ही हद तक, कभी कभी क्या होता है ना, पूरी तरह से आपके शरीर से ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाते हैं, तो इस वजह से आपका मतलब शरीर काम नहीं करता, जिससे कि आप सेंसलेस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उसी टाइम आपको क्या करना है, आपके पास में कहीं के भी कुछ मीठा चीज जैसे कि चॉकलेट, चीनी, इस तरह का चीज रखना चाहिए। अगर आपको कुछ कभी लगे ऐसे कि आप बेहोश होने वाले हैं, ज्यादातर पसीना आ रहा है, तो उसी टाइम आपको क्या करना है, एक चॉकलेट या फिर कुछ चीनी, जो भी मीठा चीज होगा वो आप खा सकते हैं। उस वजह से कुछ हद तक आपको आप मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ फील होता है, आपको महसूस होता है, तुरंत ही हॉस्पिटल में आपको जाना है और डॉक्टर से चेक करवा लेना है। तो इसका जरूर ध्यान रखिए जिसको डायबिटीज है, और जिसको डायबिटीज नहीं है मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो कीजिए, जिस तरह के खाने पीने में बदलाव, एक्सरसाइज, अपना जीवन शैली में परिवर्तन, ये सब कीजिए, आप डायबिटीज से बच सकते हैं। सर फ्रेंड्स, और एक चीज रह गया, जैसे कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में और इसको प्रिवेंट करने में स्ट्रेस यानी कि तनाव का महत्वपूर्ण भूमिका है। सो इसलिए आप स्ट्रेस और तनाव से दूर रहे, इसको जितना हो सके आपसे दूर रखना है। और मोटापा, अगर आप ज्यादा मोटे हैं तो आपको मोटापा कम करना होगा, आपको एक संतुलित आहार लेना है जिस तरह से आपका मोटापा कम हो जाए, वजन कम हो, तो ज्यादा वजन भी डायबिटीज का एक कारण हो सकता है, और इस तरह से आप डायबिटीज को दूर कर सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो ये सब करना है, अगर डायबिटीज नहीं है तो प्रिवेंटिव मेजर से ये सब करना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार दो और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब बटन पे जल्दी से क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।